अप्सरा पैलेस में 9 अगस्त से प्रारंभ होने वाली श्रीमद् भागवत जी की आज भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह कलश शोभा यात्रा विश्राम घाट से प्रारंभ होकर अप्सरा पैलेस होली गेट पर पहुंची। शोभा यात्रा से पूर्व राजा घाट पर 1100 कलशों का एवं श्रीमद् भागवत जी का पूजन किया गया। पूजन के पश्चात महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्रा में द्वारकाधीश यमुना महारानी की झांकी सहित बैंड नफरी ढोल ताशे और महिलाओं के एक से परिधान ने इसे और भी भव्यता प्रदान की। कथा प्रवक्ता श्री पंकज शास्त्री एवं भागवत जी का पूजन मुख्य यजमान डॉक्टर आशीष गुप्ता, वीरेंद्र अग्रवाल, चौधरी पहला सिंह, श्रीमती गीता रानी, कौशल अग्रवाल, मनमोहन अग्रवाल, विवेक बंसल आदि द्वारा किया गया। शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान करते हुए शहर की वरिष्ठ लोगों ने भी सहभागिता की, जिनमें पूर्व जिला कवच चेतन ने स्वरूप पाराशर वीरेंद्र अग्रवाल जी, योगेंद्र चतुर्वेदी, गंगा रानी चतुर्वेदी, डॉक्टर नीतू गोस्वामी, प्रीति चतुर्वेदी, सरिता चतुर्वेदी, ब्रजवान गोस्वामी, आनंद चतुर्वेदी, नीरज चतुर्वेदी आदि उपस्थित रहे। शुभ नाम बताते हुए। मेरा नाम आरती चतुर्वेदी है। प्रोग्राम में आए, क्या हो रहा है आज इधर? ये यहाँ पर अधिक मास के लक्ष्य में यहाँ पर भागवत गीता का प्रारंभ हुआ है। आज से कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितने लोग आए हुए? काफ़ी काफ़ी लोग हैं, मतलब हम गणना करें तो कम से कम 2400-2500 के करीब होंगे। कलश की कितनी जनगणना समझो? 1500। आप कुछ कहेंगे? 1100 गणना, 1100 है ना, लेडीज इकट्ठी हुई है इसमें और ये अधिक मास के उपलक्ष्य में रखा गया है और है ना काफ़ी लेडीज़ों के सबके साथ और सबके साथ ये प्रोग्राम रखा गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम को देख के कि है ना भागवत हो रही है हमारे यहाँ पर। शुभ नाम बताएं। देखिए ये आज एक शोभा, मैं अभिषेक चतुर्वेदी विश्वविद्यालय परिषद गौरक्षा विभाग जिला अध्यक्ष। आज ये शोभा यात्रा विश्वविद्यालय परिषद गौरक्षा विभाग के द्वारा निकाली गई है। ये एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी जी की मां के नाम पर ये कथा हो रही है मथुरा में, और इसमें नरेंद्र मोदी जी के भाई पंकज मोदी जी आ रहे हैं और इसी के साथ हम सब युवाओं का जोश और सारे भाइयों का प्यार इसको देखते हुए आज हम जो है अपना हिंदू धर्म के पीछे इसको जो है करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। आज ये छोटा सा टेलर है, इसको दिखाना चाहते हैं कि विवाद तक इस चीज़ को हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि हम अपनी पे आ गए तो सारे मुसलमान भागेंगे। जय श्री राम, हरा भावे। शोभा यात्रा कैसा इसका शुभारंभ किया गया है, क्या कहें? पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पे ये अध्यात्म गोसेवा मिशन ट्रस्ट के तत्वावधान में मथुरापुरी में अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसका आज प्रारंभ हुआ प्रभु कृपा से। और धूमधाम के साथ शोभा यात्रा के मध्य हम लोग भागवत जी को यहाँ मथुरा के लाए हैं। जैसा कि आज आपने देखा, आज मैंने कह रहा हूँ, सब लोग मुझसे कह रहे थे कि ऐतिहासिक शोभा यात्रा आज मथुरा की भूमि पर हुई है और इतने बड़ी संख्या में, हजारों हजारों की संख्या में ब्रजवासियों ने आज इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया है। तो निश्चित रूप से किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए ये बड़ा अच्छा संकेत माना जाता है, जिसके मंगल आरंभ में इतनी बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हों। तो डेफिनेटली यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आज माता बहनों ने हमें दर्शन दिया है। बहुत अच्छा शानदार आज का आयोजन रहा है और मैं बड़ा आनंदित हूँ। मन में इस आयोजन का, इस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कल से जब यहाँ कथा प्रारंभ होगी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में भक्तजन पधारेंगे और आप सभी हमारे मीडियाकर्मी बंधुजन, आप लोगों का बहुत सहयोग हमको मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आप लोग हमसे जुड़े और मेरे साथ तो प्रभु कृपा से आप सब लोगों का बड़ा जुड़ाव है ही,
तो मेरे ऊपर निश्चित रूप से आप सभी की बहुत बड़ा स्नेह और प्रेम है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ब्रजवासियों का, मथुरा की जनता का और आप सभी बंधुओं का ऐसा स्नेह हमेशा बना रहे और कथा का आप लोग प्रचार प्रसार ज़्यादा से करें। हजारों हजारों की संख्या में यहाँ सभी लोग मथुरावासी पधारें, सभी का हम लोग स्वागत और सेवा कर पाएँ ऐसा। और मेरे यजमान, दो तो चार यजमान हैं इस कथा में, उत्तर प्रदेश शासन के एक अधिकारी आशीष गुप्ता जी जो यहाँ यजमान के रूप में आए हैं, कौशल अग्रवाल जी मथुरा में ही रहते हैं, हमारे मित्र भी हैं और ये इस कथा में यजमान बने हैं, और मथुरा के ही प्रतिष्ठित वीरेंद्र अग्रवाल जी पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे, वो भी इस कथा में यजमान हैं, और प्रहलाद सिंह चौधरी जी जो नौजील निवासी हैं फिलहाल मथुरा में रहते हैं, उनका परिवार भी इस कथा में यजमान है। फिलहाल दो यजमान अभी शायद यहाँ भी दिख रहे हैं, दो यजमान मेरे साथ हैं, तो उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि प्रभु उनके परिवार में मंगलमय वातावरण बनाए, खूब आनंद करें और ये लोग ऐसे ही मंगलमय आयोजनों में हिस्सा लेते रहें। और सभी मथुरावासियों के लिए प्रभु से प्रार्थना, सभी के लिए शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। जसवंत टेलीकॉम, हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल उचित दर पर रिपेयर किए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की ईयर लीड, चार्जर, स्पीकर होलसेल रेट पर उपलब्ध है। जसवंत टेलीकॉम आपके विश्वास का नाम, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराहा, मथुरा। मोबाइल नंबर 9837851017। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।